काफी बड़ी संख्या में इजरायली गन्स फिट की गई। अब एक बार फिर देखिए, वो एक बार फिर वो गोले छोड़े जा रहे हैं। इस एरिया में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आर्मी का ये पूरा डिफेंस लाइन है जो कि तेल अवीव को जोड़ने वाले हाईवे पर बनाया हुआ है, और ये हाईवे जो है ये जोड़ता है नेतिबो और तेल अवीव को। तेल अवीव और नेतिबो को जोड़ने वाले हाईवे पर इस तरफ गाजा है, और ये पूरी डिफेंस लाइन जो है ये तैयार की गई है इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। ये यहाँ पर कुछ टाइम पहले तक, ये देखिए, ये सारे मोर्चे जो लगाए गए थे ये इसीलिए लगाए गए थे ताकि टैंक्स के गुजरने की जगह बन सके। अब यहाँ से उनका पड़ाव आगे चला गया है, इसीलिए ये जगह को जो बैकअप में आर्मी आती है उसके लिए तैयार करके रखा जाता है। लेकिन हवा में ये जो गोले दागे जा रहे हैं, जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, उनका ये धुआं आप साफ देख सकते हैं। इस तरह की बम्बारमेंट रुक रुक कर हर 5-10 मिनट बाद जारी रहती है, क्योंकि इजरायली सेना ने ये सीधा ऐलान किया है कि हमास को ख़त्म किया जाएगा, और हमास के खात्मे का जो ऑपरेशन, जो युद्ध है, वो इजरायल की ज़मीन से गाजा की तरफ शुरू हुए आज 8 दिन हो चुके हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज़, सिद्रौत।